सो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में आज रौनकें दोबारा लौट आई हैं. लाइट्स हैं, लोग हैं, जज्बा है और टीम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, जैसे कि इनको पता है कि शिकार इनके हाथ में है, कहीं जाएगा नहीं ये शिकार. और यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ आप जान सकते हैं कि कितने ये लोग घबराए हुए हैं, कैसा फ्लूइड लग रहा है या नहीं माहौल. और उस तरफ जो है वो जलमी है, दूर यहाँ पे हमारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ड्रिल्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए हैं, जैसे कि हल्के से टेंस है. एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम स्ट्रॉन्ग है, मगर ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं है कि वो आराम से जीत सकेंगे क्योंकि ये फाइनल है. इसका अपना प्रेशर है और प्रेशर में कई बड़ी बड़ी बेसिक चीज़ों पे भी गलतियाँ हो सकती हैं. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ धुएंधार मुकाबला, ज़बरदस्त क्राउड, हाउसफुल. आज कराची हाइट्स ने दिल लूट लिया और उससे पहले परफॉर्मेंसेज भी थी सिंगर्स की, उसके बाद अब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस शुरू होगी. ऑल टू लुक आउट फॉर.